हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ड्रीमेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको फ्लोर का रॉ पावर पैनल और उसका अंदर का वर्क कैसे होता है और ये सभी, ये देखिए डबल सोर्स का इनकमर आता है और वो कैसे वर्क करता है वो थोड़ा हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूल गया, ये एक्चुअली ऐसा क्यों बनाया गया दो सोर्स? ओके, एक ये जो बिल्डिंग होता है ना पूरा, मतलब सॉफ्टवेयर का बिल्डिंग है, यहाँ से मतलब यहाँ पर कभी भी करंट कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे में दिखाएगा, इलेक्ट्रिकल रूम जाएगा तो वो दो सोर्स आता है, दो ट्रांसफार्मर भी बैठा गया है, कमेट का जो केबल आता है बाहर से वो भी दो आया है। ओके, एसटी केबल दो आया है, वहां से ट्रांसफार्मर को गया है। मैं आरएमयू का वीडियो में आपको दिखाया होगा, वो दो सोर्स आया है। ये क्या होता है कि एक सोर्स का अगर मेंटेनेंस किया जाएगा, ठीक है, तो ये फ्लोर तो बंद नहीं होना चाहिए ना, तो फ्लोर को कैसे तैसे भी पावर होना चाहिए। ओके, तो वन सोर्स का अगर मेंटेनेंस किया जाएगा तो टू सोर्स को ऑन करके ये फ्लोर में पावर दिया जाएगा, वन सोर्स का उधर ट्रांसफार्मर होने दो या पैनल होने दो, वो रिपेयरिंग किया जाएगा या कुछ जैसे हमारा शटडाउन किया जाता है वो भी किया जा सकता है। सेम उसी तरह अगर टू सोर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वन सोर्स का पावर फ्लोर को दिया जाएगा और टू सोर्स का उधर रिपेयरिंग कर दिया जाएगा। ओके, ये इसके ये सभी पीछे में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये पैनल को जहाँ से पावर आया है वहाँ पर कुछ फॉल्ट हुआ कोई भी एक सोर्स में, तो दूसरा सोर्स ऑन करके ये पैनल को पूरा कंप्लीटली ऑन किया जा सकता है। इसीलिए ये ऐसा टाइप का बस का फ्लोर सिस्टम बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आप वो बोलेंगे कि नहीं चेंज ओवर जैसा सिस्टम होना चाहिए, जैसे दो सोर्स आया एक ही सोर्स में पावर आउटपुट होता है, इसका ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके, थोड़ा ये भी आपका डाउट रहा होगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इसका अंदर का सिस्टम मैं देखा था जब खोला गया था, हमारे टेस्टिंग इंजीनियर आए थे, मैं इसका अंदर का सिस्टम देखा था और वो ऐसा टाइप का उसका सिस्टम था। ओके फ्रेंड्स, ये एक डाउट शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका इनकमर आता है टॉप अप बॉक्स से। टॉप अप बॉक्स कहाँ पर लगता है थोड़ा सा हम भाई को बोलेंगे कि अंदर दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर, ये हमारा राइजिंग मैन है और राइजिंग मैन इसको टॉप अप बॉक्स बोला जाता है। ये टॉप अप बॉक्स से जाता है, ये एक सोर्स है तो दूसरा सोर्स ये है। ओके, इसका दो सोर्स होता है क्योंकि कभी एक करंट कट हो जाएगा तो दूसरा सोर्स में ऑन कर सकते हैं पूरा फ्लोर को। तो इसका यहाँ का सिस्टम हम बताएंगे थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं इधर थोड़ा बाबू दिखाओ, इनकमर वन सप्लाई फ्रॉम 400 amp टॉप अप बॉक्स वो जो दिखाया वो वाला है। यहाँ पर भी सेम लिखा गया है लेकिन ये इनकमर टू लिखा गया, सप्लाई फ्रॉम 400 amp टॉप अप बॉक्स। ओके, और अगर इसको आप अलग अलग करके अर्धा अर्धा करके दो सोर्स का डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं, अगर एक सोर्स करंट कट हो गया तो इसको बाईपास करके बस कपलर ऑन किया जाएगा तो वो दूसरा सोर्स भी ऑन होगा। यहाँ पर आने के बाद ये स्विच से डायरेक्ट इधर आ जाता है, इधर प्लस इधर, ये दोनों से बाद में यहाँ पर एमसीसी भी बैठाया गया, सॉरी ये एमसीसी भी है, यहाँ पर एमसीसी है, कुछ यहाँ पर स्पेयर दो रखा गया है और RPDB 1 RPDB 2। ओके, ये दो डीबी को गया है, हम थोड़ा ओपन करेंगे इसका देखेंगे, क्लोज हो गया, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऑन है तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला ऑफ है, फिर भी इधर सप्लाई आ रहा है। ओके, ये थोड़ा दिखा दो लाइट, ये टेस्टर को दिख रहा है जी, लाइट दिख रहा है जी जी। ओके, तो देख सकते हैं ये वाला ऑफ है फिर भी इधर आ रहा है, वो कैसे आता है, ये जो सप्लाई टू मतलब सेकंड सोर्स से ये ऐसे बस कपलर के थ्रू इधर जाके आता है, ना कि इधर से इधर। ये देखिए ऑफ है, अभी हम क्या करेंगे इसको ऑफ कर देंगे तो ए साइड का ओनली ऑफ हो जाएगा। ओके, ए साइड का देख सकते हैं ये ऑफ हो गया। ओके,
अभी यहां पर देखेंगे तो बस कपलर ओनली ऑफ किया गया, हम ऑफ किया है ओपन, यहां पर देखेंगे तो, लेकिन इधर आ रहा होगा ये ऑफ है सारे, ये साइड है, हाँ दिख रहा है नहीं? सॉरी इधर ऑन नहीं था, इसकी वजह से इधर नहीं आया, यहां पर देख सकते हैं इधर पावर आ गया। ओके ये डायरेक्ट इधर से इधर को है, बस कपलर के थ्रू ओनली ए साइड को जाता है, ठीक है ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा जब हम इसको ऑफ करके उल्टा करेंगे थोड़ा सा, अभी ये सोर्स टू का हम सोर्स वन में लगाएंगे, पहले इसको बंद कर देते हैं। इसको लगाएंगे, देखिए ये दो चाबी दिया गया है किंतु ये तीन है, एक मेन होता है बस कपलर के लिए और दो इनकमर के लिए, इनकमर वन इनकमर टू के लिए एक पीस, एक बस कपलर के लिए, इसीलिए तीन नहीं दिया गया, तीन देगा तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे तो ये ओनली ए साइड को गया, बस कपलर ऑन करेगा तो ए साइड को आएगा। इसका भी थोड़ा सा हम प्रूफ दिखा देंगे, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इधर पावर आ गया, इधर बंद करेगा तो इधर पावर नहीं आएगा। ओके तो इसे मालूम हो गया इधर से डायरेक्ट इधर पावर आ गया, ये अभी ऑफ है, ऑफ है तो इधर बंद होगा, हम वो भी ऑन किया था, एमसीसी भी ऑन है, इधर बंद है, और ये बस कपलर अभी ऑन करेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर आ गया। ओके और इसको भी आप चाहोगे तो अलग अलग करके, जैसे सोर्स वन का सोर्स वन के साइड ए साइड पैनल में पूरा कंटिन्यू पावर जाएगा, और सोर्स टू का ए साइड का पूरा भी पावर चलेगा। तो हम बॉस कपलर का ये जो की है उसको निकाल देंगे, यहां पर लगा के ये इनकमर टू को भी ऑन करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं फिर पावर आ गया हमारे जैसे आ रहा था। ओके ये साइड इसके लिए काम करता है, देख सकते हैं यहां पर दिख रहा है बाबू, दिख रहे हैं जी। ओके कुछ इसी प्रकार से इधर से डायरेक्ट जाता है ये, यहां पर जाएगा, ये सभी लिखा गया है, इधर दो स्पेयर रखा गया है, सीएसयू इसका मतलब मुझे भी मालूम नहीं है, सीएसयू क्या क्या है, सभी स्पेयर स्पेयर एच यू उतना तो मालूम है, एसी वाला रूम को बोला जाता है, बाकी ए साइड में डीबी को गया है, RP DB 1 RP DB 2 Lighting DB 1 Lighting DB 2 ये सभी इतना ही मुझे मालूम था। ओके ये वीडियो अभी के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक कर लेना, अगर आपका मन में कोई डाउट है या पैनल से रिलेटेड या केबल ट्रे से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नई टेक्निक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम, नमस्कार।